हेलो गाइस, दिस इज अमोल, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर्स में। आज हम देखने जा रहे हैं दो एग्जांपल जो कि तीन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। पहली प्रॉपर्टी ये थी एंगल बायसेक्टर थ्योरम की, सेकंड प्रॉपर्टी ये देखी थी पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल की, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखा था हमने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो इन तीन प्रॉपर्टीज का किस तरह से उन्होंने इस एग्जांपल में उन्होंने क्या किया है, यूज किया है, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, वो भी टोटली इन तीनों प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है। सो बिफोर गोइंग टू सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 1.2, लेट्स कम ऑन एग्जांपल नंबर। सो इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, थ्री पैरेलल लाइंस आर गिवन। ओके, देन इफ ए सी इज इक्वल्स टू 5.4, द वैल्यू ऑफ ए सी इज 5.4, सी ई इज इक्वल्स टू 9, सी ई इज इक्वल्स टू 9, BD is equals to 7.5, BD is equals to 7.5, and the last we have to find the segment DF. We have to calculate the value of DF. So guys, is लाइन को, इस डायग्राम को अगर देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्स वाली प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है, तो वो प्रॉपर्टी थोड़ी याद कर लो। उन्होंने कहा था कि थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में क्या होता है, रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल, किसने बनाई है, मेड बाय अ थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो मेड बाय सेम पैरेलल लाइंस ऑन अनदर ट्रांसवर्सल, इनके बराबर होता है। सो देखते इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर हमें रेशियो पता है, इक्वल आ सकता है, तो हमें व्हाट इज गिवन, थ्री पैरेलल लाइंस आर गिवन, तो हम लिख सकते हैं लाइन ए बी पैरेलल्स टू लाइन सी डी पैरेलल्स टू ई एफ। ओके, दिस इज गिवन। सो देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देयरफॉर AC, where is the AC? AC upon CE is equals to BD upon DF. So guys, इसका रेशियो क्या है? इसका रीजन क्या आएगा? इसका रीजन आएगा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, जो हमने इस प्रीवियस वीडियो में देखी थी। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ए सी नथिंग बट द 5.4 अपॉन सी नथिंग बट द 9 इज इक्वल्स टू बी डी इज 7.5 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डी एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, डी एफ इस साइड को ट्रांसफर कर लो, देयरफॉर डी एफ इंटू 5.4 इज इक्वल्स टू 9, अपोजिट साइड को 7.5 इंटू 9, देयरफॉर 5.4 को सामने शिफ्ट कर लो, DF is equals to 7.5 into 9 upon 5.4. So answer will be DF is equals to, we'll get 7.5 into 9 and 5.4. 0.4 reduce कर सकते, बिल्कुल 75 into 9 upon 54. So DF is equals to 54 को हम 9 से divide कर सकते, दोनों को 9 को भी 9 से divide होता है, 54 को भी 9 ones are 9. Okay. 9 6 54, what will be the next, 75 upon 6, therefore DF is equals to 75, 25 से डिवाइड करते 3 से, 3 25 जो, और यहाँ पे भी 3 से, सो नीचे आएगा 25 अपॉन 2, सो therefore DF is equals to 12.5, सो दिस इज योर आंसर। सो इस तरह से हमें उन प्रॉपर्टीज का रियूज करना पड़ता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अभी इस सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग दिया है उन्होंने, दो प्रॉपर्टीज को मिक्स करके दिया है और पूछा है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आप क्या कर लो, पहले प्रॉपरली रीड कर लो, डायग्राम को एनालाइज कर लो एंड देन स्टार्ट कर लो एक्चुअली व्हाट इज गिवन एंड व्हाट टू बी फाइंड, इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो व्हाट इज गिवन, उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ओके वी हैव ट्रायंगल एबीसी, अगर नहीं होता तो भी हम विजुलाइज करते कि एबीसी ट्रायंगल है। उन्होंने कहा है कि रे बीडी बायसेक्ट कर रहा है, रे बीडी बी से स्टार्ट होगा, बी से डी तक यहां तक है, बायसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल एबीसी को, एबीसी को। बायसेक्टर मतलब क्या होता है, इक्वल दो एंगल्स क्रिएट करना। तो आपको पता है कि एंगल बायसेक्टर थ्योरम की भी एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, करेक्ट। ओके, तो वो भी हमें क्या देता है, रेशो देता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि साइड डी डी ई, ई डी बोलो या तो डी ई बोलो, सेम पैरेलल टू बी सी, तो आपको यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी आपको याद आएगा।
तो उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली बोला कि आपको ए बी अपॉन बी सी मतलब ए बी एंटायर अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए बी। तो मतलब देखो ए बी अपॉन बी सी मतलब कौन ए बी अपॉन बी सी जो एंगल बाइसेक्टर के रिमेनिंग साइड से कौन सी साइड से रिमेनिंग साइड ओके ऑन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में उसका जिक्र किया है उन्होंने ठीक है हमने उसका यूज किया था। उसके बाद सेकेंड पार्ट कौन सा है ए ई अपॉन ई बी तो ए ई अपॉन ई बी आपको पता है क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में उसका एक साइड का पार्ट आता है उस रेशियो में भी। तो हमें क्या कर रहे हैं सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसका रेशियो लेना है बाद में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करके उसी का फिर बाद में एक रेशियो लेना है और दोनों को कंपेयर करना है कि हमें आंसर आता है कि नहीं। तो किस तरह से होगा अगर प्रूफ वाला पार्ट है तो हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में सो हमारे पास क्या है हमारे पास है सबसे पहले तो रे बी डी बायसेक्ट्स किसको बायसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी को तो देयरफॉर हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बेस एंगल बायसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बायसेक्टर थ्योरम क्या करता था कहता है कि आपका जो बायसेक्टर है सामने वाले साइड्स को उस रेशियो में डिवाइड करता है रिमेनिंग साइड्स के तो रिमेनिंग साइड्स कौन हुई ए बी अपॉन बी सी देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू सामने वाले साइड कौन ए डी अपॉन डी सी ए डी अपॉन डी सी। सो इसका रीजन क्या आएगा इसका रीजन आएगा एंगल बायसेक्टर थ्योरम क्या आएगा एंगल बायसेक्टर थ्योरम आप यहां पे रीजन लिख सकते हो ठीक है। नेक्स्ट इसे फर्स्ट बोलो अभी हमें क्या करना है और क्या कोई चीज दी है हमें तो हमें ए डी इज पैरेलल टू बी सी दिया है। अगर हम ट्रायंगल को ए बी सी को ऑब्जर्व करते हैं तो उस ट्रायंगल में एक साइड को अनदर साइड क्या है एक और एक साइड क्या है पैरेलल है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे कौन है साइड सेगमेंट ई डी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी करेक्ट दिस इज गिवन ए भी हमें क्या है गिवन है सो आई कैन राइट हियर गिवन सो देयरफॉर ये किस में है गाइस इन अ ट्रायंगल ए बी सी में तो हम अप्लाई कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कैसा आएगा ए अपॉन ई बी ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू सेकेंड लाइन ए डी अपॉन डी सी सो ए डी अपॉन डी सी इसे सेकेंड बोल सकते हैं हम रीजन क्या आएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो गाइस ऑब्जर्व कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड में राइट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है सेम है क्या है सेम है यहाँ पे देखो ए डी अपॉन डी सी ए डी अपॉन डी सी तो आपको नहीं लग रहा कि लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी हाँ बिल्कुल सर अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी सेम होगी। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू इसके साथ आएगी ए ई अपॉन ई बी रीजन क्या आएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो कितना इजी था ये क्वेश्चन। इस तरह से हमें क्या करना है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है ठीक है। इसके बाद गाइस हम क्या करने वाले प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट भी इन्हीं दो तीन प्रॉपर्टीज पर डिपेंड है एंगल बायसेक्टर थ्योरम उसका कॉनवर्स उसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम फिर उसका कॉनवर्स उसके बाद हमने पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सर की भी प्रॉपर्टी पढ़ी है। प्रैक्टिस सेट हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दैट इज 1.2 उस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या किया है हमें एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर और उसमें एक रे दिया है पी एम और हमें पूछा गया कुछ वैल्यूज देने के बाद हमें पूछा गया कि हर डायग्राम को ऑब्जर्व कर लो और आप मुझे बताओ कि पी एम ये बायसेक्टर है कि नहीं है इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन दिया है। तो अगर उस क्वेश्चन को हम ऑब्जर्वेशन कर दे तो आपको पता है क्वेश्चन ने पूछा है कि पी एम डायग्राम को ऑब्जर्व करके बताओ कि वो बायसेक्टर है या नहीं उन्होंने दिया नहीं है बायसेक्टर है कि नहीं हमें पूछा गया है। तो बायसेक्टर है या नहीं डिसाइड करने के लिए सिर्फ एक ही थ्योरम हमने अब तक पढ़ा है वो है कॉनवर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर थ्योरम। अगर कॉनवर्स ऑफ एंगल बायसेक्टर थ्योरम अप्लाई होता है तो उसे हम बायसेक्टर कह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल है पी क्यू आर इसमें कुछ वैल्यूज दी है उन्होंने ओके यहाँ पे रे है पी एम और उन्होंने हमें पूछा है कि क्या पी एम आपका एंगल बायसेक्टर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस ट्रायंगल में एंगल बायसेक्टर का कॉनवर्स अप्लाई होता है कि नहीं देखते। कॉनवर्स का मतलब क्या है कॉनवर्स का मतलब है रे जहां से निकलता है अपोजिट साइड का रेशियो और रिमेनिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं उसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर करेक्ट हमें पता है लेट्स से रिमेनिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू 7/3 करेक्ट सामने वाले साइड इसका रेशियो क्या है क्यू एम अपॉन एम आर हाउ मच
3.5 upon 1.5. सो गाइज लिसन टू मी, 3.5 और 1.5 मतलब ही कौन 35 upon 15, यस और नो? तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करते कितने से, इन दोनों को डिवाइड करते हम 5 से, तो यहाँ पे होगा 5 3s और 5 7s, तो आंसर विल बी 7 upon 3. तो इस केस में देखो ये दोनों रेशो क्या आ रहे, इक्वल आ रहे, क्या आ रहे, इक्वल आ रहे. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट बोलता हूँ, इसको मैं सेकेंड बोलता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ रहा है, PQ upon रिमेनिंग साइड PR, इनका रेशियो किसके बराबर आ रहा है, रेने जो सामने वाली साइड बाइसेक्ट की ना, करेक्ट, QM upon MR इतना आ रहा है. सो QM upon MR, सिंस यहाँ पे कॉनवर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई होता है, इसका मतलब PM कौन है, एंगल बाइसेक्टर है. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये दोनों इक्वल है, करेक्ट, कहाँ से, फ्रॉम वन एंड टू, तो देयरफॉर रे PM इज एंगल बाइसेक्टर. कैसे, रीजन क्या आएगा उसका, सामने रीजन आएगा कॉनवर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, गॉट इट? तो इस हिसाब से इसे क्वेश्चन हमने चेक कर दिया कि PM हमारा बाइसेक्टर है या नहीं है. तो इस डायग्राम में वैसे सेम चेक करना हमें, इस डायग्राम में कैसे होगा, इस डायग्राम में होगा सेम वही डायग्राम है, PQR, ओके, कुछ वैल्यूज दी है, जैसे यहां से स्टार्ट किया था हम यहां भी स्टार्ट करेंगे, कौन से ट्रायंगल में जाना है हमें, इन ट्रायंगल PQR, गॉट इट? सो रिमेनिंग साइड्स रे PM की रिमेनिंग साइड्स कौन है, PR एंड PQ, PR upon PQ इज इक्वल टू, लेट्स टेक द रेशियो 7 upon 10, गॉट इट? इसे हम फर्स्ट मानते. नेक्स्ट रे किसको कट कर रहा है, RQ को कट कर रहा है, उसका रेशियो कितना आ रहा है, RQ, लेट्स टेक RM upon MQ इज इक्वल टू 6 upon 8, 6 upon 8 मतलब ही कौन, इन दोनों को 2 से डिवाइड करने के बाद 3 upon 4. तो गाइज यहाँ पे हमें पता चला है कि रिमेनिंग साइड्स एंड अपोजिट साइड्स इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, कैसे, फ्रॉम 2 and 1 and 2 से. तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, PR upon PQ इज नॉट इक्वल्स टू RM upon MQ, रीजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से पता चल रहा है. तो अगर ये दोनों, इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो बट ऑब्वियसली रे PM कौन होगा, कौन नहीं होगा, और एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, देयरफॉर रे PM इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? सो गाइस ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड. सब क्वेश्चन नंबर थर्ड है सेम इसी तरह दिया है, ऐसे ही टाइप का है, कुछ वैल्यूज दिए है, डायग्राम दिए है, आप क्या कर लो, खुद आप एक बार ट्राई कर लो, आपको आता है कि नहीं है. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जाते हैं अभी हम. क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि इन अ ट्रायंगल PQR, PQR में क्या है, PQ की वैल्यू दी है 25, PQ ये पूरी वैल्यू दी है उन्होंने, कितनी है 25. मैं यहाँ पे लिखता हूँ PQ की वैल्यू कितनी है 25, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी कितनी है 25, ओके. PR कितनी है 20, वेर इज PR, P यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 20 है. उसके बाद उन्होंने कहा NR इज इक्वल्स टू 8, NR कितनी है, वेर इज NR, इतनी है, ये है 8. नेक्स्ट वन PM इज इक्वल्स टू 15, PM मतलब यहाँ से यहाँ तक 15. एंड हमें पूछा गया वेदर द लाइन, मतलब देखो वैल्यूज कितनी दी है, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज दी है, और हमें पूछा गया कि वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ. तो आपको मैं कुछ याद दिलाता हूँ, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन ट्रायंगल के किसी साइड्स को पैरेलल है या नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए हमें बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम का कॉन्वर्स अप्लाई करना पड़ता है. तो बेसिक प्रोपोर्शनिटी थ्योरम का कॉन्वर्स क्या था, उनका कहना था कि अगर ये जो लाइन है, इस लाइन ने जो रिमेनिंग साइड्स को डिवाइड कर दिया है, इनके रेशो अगर इक्वल आते हैं, मतलब क्या, PN upon NR इज इक्वल टू PM upon NQ अगर हम दिखा सकते हैं, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं NM इज पैरेलल टू RQ. इसे कहते हैं कॉर्नर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई करना. तो हम चेक करते कि हमें सबसे पहले इस चेक करने के लिए हमें PN सेपरेट निकालना पड़ेगा, NR ऑलरेडी सेपरेट दिया है, PM सेपरेट ऑलरेडी दिया है, बट MQ हमें सेपरेट निकालना पड़ेगा, तब जाके हम रेशो इक्वल है या नहीं चेक कर सकते. तो सॉल्यूशन कैसा आएगा, देखो तो मैं यहां पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं. सॉल्यूशन सबसे पहले हमें सेपरेट सारी चीजें करनी है,
तो मैं पी एम पी एन निकालता हूँ, तो आपको पता है पी एन कैसे बना है, पी आर इज इक्वल्स टू पी एन प्लस एन आर, यस और नो? इसका रीजन क्या आएगा, पी डैश एन डैश आर। ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। पी आर मतलब कितनी है, पी आर टोटल 20 है, 20 इज इक्वल्स टू पी एन हमें फाइंड करनी है, यस और नो? प्लस एन आर इज गिवन 8, सो देयर फोर अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो पी एन मिल जाएगी, पी एन इज इक्वल्स टू 20 माइनस 8, देयर फोर पी एन की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे 12, कितनी मिल गई 12 फर्स्ट। ओके, इस साइड की दोनों सेगमेंट सेपरेट हो गए, पी एन हमें मिल गया 12, एन आर 8 है। अभी अपोजिट साइड को पी एम सेपरेट ऑलरेडी गिवन है 15, एम आर अगर हम फाइंड करते तो आगे की हम प्रोसेस कर सकते। तो अभी नाउ क्या करेंगे हम, पी क्यू कैसे बना है, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एम प्लस एम क्यू, करेक्ट? वाई पी डैश एम डैश क्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, पी क्यू इज गिवन या सब्स्टिट्यूट 25, 25 इज इक्वल्स टू पी एम इज गिवन 15 प्लस एम क्यू हमें फाइंड करना था। ओके, लेट्स ट्रांसफर 25 टू द अपोजिट साइड, 15 टू द अपोजिट साइड, 25 माइनस 15 विल गेट एम क्यू, देयर फोर एम क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट विल द वैल्यू, 10। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये चार ही सेगमेंट्स है, हमें अभी रेशो अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रेशो चेक कर सकते हैं। तो किस ट्रायंगल में जाना है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, पहला रेशो लेते हैं पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, पी एन कितना है, हाउ मच 12 अपॉन एन आर, हाउ मच 8, व्हाट विल द रेशो गाइस, इसको सिंप्लीफाई कर सकते 4 से, एब्सोल्युटली 4 से अगर डिवाइड करोगे तो यहां पे 4 2 जो 4 3 जो 3 अपॉन 2, इसे फर्स्ट मान लो, करेक्ट? अभी हम अपोजिट साइड्स का रेशो लेते हैं पी एम अपॉन एम आर का। नाउ पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, पी एम हाउ मच 15, दिस इज गिवन, एम आर अभी अभी हमने फाइंड किया है 10 इज इक्वल टू दिस वैल्यू कैन बी डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 एंड 5 3 जो 3 अपॉन 2 यहां पे आंसर आएगा। तो आप ऑब्जर्व कर लो यहां पे कि इसको सेकंड मान लो, तो देखो दोनों का रेशियो सेम आया है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, देयर फोर पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एम क्यू, रीजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कितना इजी, देखो अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं रेशो तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एन एम लाइन पैरेलल है किसको, आर क्यू को, तो यहां पे लिख लो देन लाइन, देयरफॉर लाइन एन एम पैरेलल्स टू साइड, कौन सी साइड है वो, क्यू आर, और रीजन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या आएगा यहां पे, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सो राइट डाउन हियर, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो गाइस, सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियसली जितनी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है उस पर डिपेंड होते हैं, अगर हम उन प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखते हैं, इस तरह से अप्लाई करनी है, क्या हमें दिया है, क्या हमें पूछा गया है, सारी चीज़ें अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें डेफिनेटली आंसर मिल जाते हैं, हमें क्या होते हैं, आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट किया है, सेकंड किया है, थर्ड आपके लिए सॉल्व करना है, डेफिनेटली बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने इसके पहले सॉल्व किए उस टाइप के क्वेश्चन, तो प्लीज आप ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा है कि मेजर्स ऑफ सम ट्रायंगल्स इन द फिगर आर गिवन, मेजर्स क्या किए हैं, किसी एक ट्रायंगल में उन्होंने कुछ मेजरमेंट दिए हैं एंगल्स के, और डायरेक्टली आपको पूछा है कि प्रूव दैट एपी अपॉन पीबी, एपी लेट्स टेक हियर इज अ पी एंड हियर इज अ क्यू, एपी अपॉन पीबी एक रेशो है इसके बराबर है एक्यू अपॉन क्यूसी। अगर गाइस आपने इस रेशो को ऑब्जर्व किया तो मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट आता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ही ये रेशो आता है, करेक्ट? तो बट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कब अप्लाई होता है, अगर पी क्यू पैरेलल डायरेक्टली होती तो हम बोलते कि ये रेशो इक्वल है, यस और नो? बट यहां पे उन्होंने पी क्यू पैरेलल बीसी को है ऐसे बिल्कुल बोला नहीं है। तो सबसे पहले हमारा इंटेंशन ये है, अगर हम किसी तरह से पी क्यू बीसी को अगर पैरेलल प्रूव कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट हमारा आंसर लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, जो यहां पे प्रूव करना है। तो हमारा मेन इंटेंशन ये
वैल्यूज प्रूव नहीं करना, तो हमें पी क्यू को बी सी को पैरेलल दिखाना है, तो कुछ एंगल्स की वैल्यू दी है। देखो कितना ईजी है, आपको सबको पता है नाइन्थ स्टैंडर्ड में कुछ हमने टेस्ट पढ़ी थी, यहाँ पे 60 डिग्री है एंगल ए पी क्यू, यहाँ पर पी बी सी की 60 डिग्री है, तो अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, दोनों बोथ द एंगल्स आर इक्वल, करेक्ट, एब्सोल्युटली सर, एंड दे आर पेयर्स, किस पेयर्स में है, आर इन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, किसने बनाई है, ये जो लाइन है इसने बनाई है, इसे ट्रांसवर्सल कहेंगे, और किस पर बनाए हैं, ये दो लाइन्स पे। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आते हैं, सबको पता है ये दोनों लाइन्स क्या होती है, पैरेलल होती है, दैट्स इट। हमें छोटा सा आंसर लिखना था, क्या लिखना था, किस ट्रायंगल में जाना है हमें, इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल व्हाट, पी ए बी सी, ओके, सो क्या दिया हमें एंगल, कौन सा एंगल है, ए पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट्स विद एंगल, कौन सा है, यहां से लिख सकते हैं हम पी बी सी इज इक्वल्स टू कितने हाई, 60 डिग्री, करेक्ट, दिस इज गिवन, ओके, सबको पता है अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये कहां पर है पता है, बोथ द एंगल्स आर इन पेयर्स ऑफ, इन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, कौन से ट्रांसवर्सल, ए बी ऑन साइड लाइन पी क्यू एंड बी सी, इस पे बनाए हैं, दोनों भी क्या है इक्वल है, और यहाँ पे ए बी ने इन दोनों साइड्स पे बनाई है, देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइड पी क्यू पैरेलल्स टू साइड बी सी, ओके, जैसे हमें ये दोनों पैरेलल मिलते हैं तो हमें पता है इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू बी सी को पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर लो, सो लिख सकते हैं हम, इसका रीजन क्या आएगा गाइस, ये देखो ये दोनों इक्वल है, ये तो दिस ये 60 इक्वल है, ये गिवन है, करेक्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल है, बट ये लाइन्स पैरेलल क्यों हुई, करस्पॉन्डिंग एंगल की टेस्ट की वजह से, तो यहां पे लिख सकते करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने पढ़ी थी, ओके, अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों पैरेलल की वजह से हम ये रेशियो अप्लाई कर सकते, देयरफॉर क्या आएगा, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, रीजन क्या आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देखो कितना इजी था, प्रूफ हो गया, करेक्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमने अभी अभी कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 5 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स के हिसाब से सॉल्व करना है, उन्होंने तीन वैल्यूज दिए, फोर्थ वन आपको फाइंड करनी है रेशियो में से, क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से सॉल्व करना है, उन्होंने क्या किया है, तीन वैल्यूज दी है, एक मिसिंग है, आपको फोर्थ वन वैल्यू फाइंड करनी है रेशियो लेके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7 वो भी सेम इसी टाइप का है, बट गाइज जिस तरह से आपको पैरेलल लाइंस इस तरह से पढ़ा है ड्रॉ करना, जरूरी नहीं कि आपके पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टली हो, समटाइम्स पैरेलल लाइन कुड बी वर्टिकल, ओके, तो अभी क्या करते हैं हम यहाँ पे डायग्राम्स को ऑब्जर्वेशन करते, एक्चुअली उन्होंने कहा है कि इन द फिगर ए बी पैरेलल्स टू सी डी पैरेलल्स टू ई एफ, ए बी पैरेलल्स टू सी डी पैरेलल्स टू ई एफ, तो वर्टिकल लाइंस यहाँ पे क्या है पैरेलल एक दूसरे को, तो आपको पता ही ये जो दोनों लाइंस है ये दोनों क्या हो जाएंगे ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, तो उन्होंने सिर्फ कुछ वैल्यूज दी है, यहाँ पे BD की वैल्यू 8 दी है, AC 12, DF 4 एंड ECE की वैल्यू X मानी है जो हमें फाइंड करनी है यहाँ पे, उसके बाद सेकेंड वैल्यू हमें AE फाइंड करना है, आपको पता है X मिलने के बाद अगर हम दोनों की एडिशन करेंगे तो AE मिल जाएगा, तो मेन इंटेंशन हमारा ये है कि हमें X फाइंड करना है, सबको पता है तीन पैरेलल लाइंस दी है तो इसकी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट, तो आपको पता है व्हाट इज गिवन, सॉल्यूशन में मैं लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन में क्या दिया हमें, AB पैरेलल्स टू CD parallels to what? EF. This is given. Okay, चलेगा, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपको पता है ट्रांसवर्सल के जो इंटरसेप्ट होते हैं इनका रेशो इक्वल आता है, तो पहला रेशो हम फॉर्म करते हैं AC upon CE का, therefore AC upon CE is equals to BD upon DF. DF. रीजन क्या आएगा, यहाँ पे हम पूरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, property of three parallel lines and their transversal, okay, तो उसका reason था, substitute the values, we will get answer,
एसी मतलब 12, देयरफॉर सी हाउ मच एक्स इज इक्वल्स टू बी डी हाउ मच 8 अपॉन डी एफ हाउ मच 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स को अपोजिट साइड को ट्रांसफर कर लो, 4 को इस साइड को ट्रांसफर कर लो, 12 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स, अभी 8 को इधर शिफ्ट कर लो डिनोमीटर को, तो आंसर विल बी लाइक 12 इंटू 4 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू एक्स, यस और नो? तो 12 यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 वन जो 4, 4 टू जो ओके, उसके बाद 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, फ्रेश लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज इक्वल्स टू 6 आएगा, कितना आएगा 6, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू नहीं है, हमें बाद में ae की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ae की वैल्यू कैसे होगी, तो आई कैन राइट हियर, देयरफॉर ae इज इक्वल्स टू, ae कैसे बना है, ac एंड ec से बना है, ac प्लस ce, तो ac हाउ मच 12 प्लस अभी अभी x की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 18, देयरफॉर ee इज इक्वल्स टू 18, हो गया, कितना इजी क्वेश्चन रहते हैं, सारे ऐसे क्वेश्चन है, सो गाइज इस क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 8, 9, 10 and 11 क्वेश्चन, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, आज हम क्या करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग सेंचुरी मैथ्स क्लासेस।